प्रिय छात्रों छात्राओं नमस्कार। हम वैदिक गणित के बारे में आपको बता रहे थे और हमारा एक वैदिक गणित विधि द्वारा व्यवकलन और जोड़ के लिए जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वीक घंटे मिनट और सेकंड का ये एक टॉपिक रह गया था, तो आज हम पहले उसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जब घंटे मिनट सेकेंड घंटे मिनट सेकेंड का जोड़ या व्यवकलन करते हैं तब मिनट व सेकेंड के प्रथम स्तंभ का आधार, प्रथम स्तंभ का आधार 10 तथा द्वितीय स्तंभ का आधार 6 लेते हैं और घंटे के प्रत्येक स्तंभ का आधार 10 लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आप घंटे मिनट या सेकंड के जोड़ या बाकी दोनों में से कोई सी भी संक्रिया हल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट और सेकंड के प्रथम स्तंभ का आधार तो आप कितना लोगे 10 और द्वितीय स्तंभ का आधार कितना लोगे 6। ध्यान रखना है कि मिनट और सेकंड के प्रथम स्तंभ का आधार तो आपको 10 लेना है और द्वितीय स्तंभ का आधार कितना लेना है 6 लेना है और घंटे के प्रत्येक स्तंभ का आधार कितना लेना है 10 ही लेना है। यदि आपने मिनट और सेकंड के प्रथम स्तंभ का आधार 10 और द्वितीय स्तंभ का आधार 6 नहीं लिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, चाहे आप इससे जोड़ करो या बाकी करो। तो दोनों के लिए ध्यान रखना है, मिनट और सेकंड के लिए प्रथम स्तंभ का आधार तो आपको 10 लेना है और द्वितीय स्तंभ का आधार आपको कितना लेना है 6 लेना है। तो सबसे पहले हम एक जोड़ बताते हैं। जोड़ना आपका सवाल है, जैसे इधर घंटे इधर मिनट दे रखा है और इधर सेकंड दे रखा है, यहां दे रखा है 18 32 54 और इधर दे रखा है 12 16 और 25, इनका हमें जोड़ करना है। अब यह सवाल कौन सा सवाल है, घंटे मिनट और सेकंड का है, तो इसके लिए आपको हमेशा जो ये मैंने लाइन लिखी है ये पता होनी चाहिए। तो देखो यहां क्या दे रखा है, ये वाला स्तंभ घंटे का स्तंभ है और ये वाला स्तंभ कौन से हैं, मिनट के स्तंभ हैं और ये वाले किसके हैं, सेकंड के स्तंभ हैं। अब यहां ये पहला वाला ये स्तंभ कौन सा है, सेकंड का पहला स्तंभ है और ये सेकंड का कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। इसी प्रकार ये वाला स्तंभ मिनट का कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है और ये वाला कौन सा स्तंभ है, दूसरा। इस प्रकार आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए यहां आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और यहां कितना है, 5 है। बताओ 4 में आप 5 जोड़ दो कितना आता है, 9। और ध्यान रखना है कि ये प्रथम स्तंभ है किसका, सेकंड का और प्रथम स्तंभ का आधार तो कितना होता है, 10 होता है। तो ध्यान रखना है कि ये योग 10 से बड़ा होता तो अगले
आगे वाले अंक के ऊपर क्या लगता? एकाधिक चिन्ह। अब ये योग 10 से बड़ा नहीं है, ना ही तो 10 है और ना ही 10 से बड़ा है। कितना है देखो, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आता है? 9। तो सीधा नीचे कितना आ गया है? 9। इसके बाद में देखो, ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। और दूसरे स्तंभ का आधार कितना मानना है? सेकंड के लिए 6 मानना है। तो बताओ, ये 5 में 2 जोड़ा तो कितना आया है? 7। अब आधार 6 माना है, तो जब अंकों का योग 6 या 6 से बड़ा होगा तो उसके सामने जो अंक होगा, इसके सामने ये अंक है, यहां पर योग 7 हुआ है तो सामने ये अंक है, तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। तो बताओ, 5 में 2 जोड़ा 7, और 7 जब यहां आया है तो यहां इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एकाधिक अंक, क्योंकि इसका आधार कितना है? 6 है। द्वितीय स्तंभ का आधार कितना होता है? 6 होता है। तो बताओ, 7 में से 6 इधर गया तो कितना बच गया है? 1। तो नीचे यहां कितना उतार देंगे? 1। इसके बाद में आगे चलो, बताओ ये मिनट का ये वाला स्तंभ कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। कौन सा है? पहला स्तंभ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो ये कितना है बताओ, 9 के ऊपर एकाधिक लग रहा है, पर 9 के ऊपर एकाधिक का मतलब क्या होता है? 10 होता है। 9 से एकाधिक क्या होता है? 10। और 10 में किसको जोड़ना है? 2 को जोड़ना है। भाई 2 को किस में जोड़ना है? 10 में। अब बताओ, 2 को 10 में जोड़ने पर अंकों का योग कितना हो गया है? 12 हो गया है। और मिनट के प्रथम स्तंभ का आधार कितना लेंगे? 10 लेंगे। अब 10 लेने पर यहां योग कितना है? 12 है, यानी 10 से बड़ा हो गया है। जब ये योग 10 से बड़ा हो गया है तो ठीक इसके आगे जो अंक है ये वाला है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एकाधिक चिन्ह। तो इसके ऊपर यहां हमने क्या लगा दिया? ये एकाधिक चिन्ह लगा दिया है। तो बताओ, 10 में 2 जोड़ने पर 12 आया था, 12 में इधर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, आधार इसका 10 था, तो 10 इधर गया तो कितना बच गया है? 2। तो यहां से कितना आ गया? ये 2। इसके बाद में देखो, ये कितना है? 1 के ऊपर एकाधिक, तो 1 के ऊपर एकाधिक का मतलब क्या है? ये 2 है। और 2 में इस किसको जोड़ना है? 3 को जोड़ना है। तो 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी इस मिनट के दूसरे स्तंभ का योग कितना आया है? 5 आया है। यानी ये योग 6 से 6 या 6 से बड़ा नहीं है। अब 6 या 6 से बड़ा नहीं है तो इसके सामने इस अंक पर एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरे स्तंभ का आधार तो कितना मानते हैं? 6 मानते हैं। तो यहाँ योग तो कितना है? 5 ही है। तो इसको हम यहाँ सीधा रख देंगे। इसके बाद में घंटे के प्रथम स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ का आधार कितना मानना है? 10 ही लेना है। पहले का भी 10 लेना है और दूसरे का भी 10 ही लेना है। तो बताओ, इस 8 में 2 को जोड़ा कितना आया है? 10। तो मैंने आपको बताया, जब अंकों का योग आधार 10 है तो 10 या 10 से बड़ा है तो ठीक उसके आगे जो अंक है सामने, आगे कौन सा अंक है? 1। तो इसके ऊपर क्या लगा देना है? एकाधिक चिन्ह लगा देना है। तो देखो, 8 में 2 जोड़ा 10, तो यहां अंकों का योग 10 है तो ठीक आगे ये अंक है, इसके ऊपर क्या लगा?
क्या है, वो जोड़ और जो सीधा जोड़ करते हैं वो, उन दोनों के उत्तर क्या है, समान। तो हमारा ये सवाल क्या है, सही है। तो इस प्रकार को ये घंटे मिनट सेकंड का क्या बताया हमने, जोड़ बताया है। अब आपको घंटे मिनट सेकंड की क्या बताते हैं हम, बाकी यानी व्यवकलन। तो व्यवकलन किस प्रकार करते हैं, देखो इसी सवाल का हम व्यवकलन बता रहे हैं। व्यवकलन देखो, जैसे हमने जोड़ के लिए किया था उसी प्रकार हम यहां पर इसके लिए करेंगे व्यवकलन यानी बाकी के लिए। वही ध्यान रखना है, सेकंड और मिनट के प्रथम स्तंभ का आधार को कितना मानना है, 10 मानना है, और सेकंड और मिनट के द्वितीय स्तंभ का आधार कितना मानना है, 6 मानना है, और घंटे के प्रत्येक स्तंभ का आधार कितना मानना है, 10 मानना है। यानी आप जब मिनट, घंटे, मिनट और सेकंड जोड़ या बाकी करोगे तो आपको ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो बताइए, 4 ऊपर है, ये 5 है, तो बताओ 4 में से 5 घटता है नहीं घटता है। तो नहीं घटने पर हमने बाकी किस प्रकार की थी कि नीचे जो संख्या दे रखी है उस संख्या का क्या निकालते थे, परममित्र अंक। नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या निकालते थे, परममित्र अंक। और एक बात और बताई थी, जब भी किसी संख्या का हम परममित्र अंक निकालते थे तो ठीक उसके जो आगे या सामने जो संख्या थी उसके ऊपर क्या लगाते थे, एकाधिक चिन्ह लगाते थे। तो ये भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, 4 में से 5 घटता नहीं है, अब नहीं घटता है तो बताओ ये 5 दे रखा है तो 5 का क्या निकाल लेते हैं, परममित्र अंक। अब परममित्र अंक निकालने के लिए बताओ ये स्तंभ कौन सा है, सेकंड का पहला स्तंभ है, और पहले स्तंभ का आधार कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। तो परममित्र अंक निकालेंगे तो इस 5 को किसमें से घटाएंगे, 10 में से। अब 5 को 10 में से घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 5 ही प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है उसको ऊपर जो संख्या है उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी जो भी आपके पास परममित्र अंक आता है उसको ऊपर दी गई संख्या में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद नीचे लिख देते हैं। बताओ 5 है, 5 का परममित्र अंक आधार या पहले स्तंभ का आधार कितना है, 10। अब परममित्र अंक निकालेंगे तो 10 में से घटाएंगे, 10 में से 5 घटाया कितना बचा है, 5, और जो बचता है उसको ऊपर संख्या में जोड़ देंगे। तो 5 को इस 4 में जोड़ा कितना आया है, 9। अब बताओ इसका परममित्र अंक निकाला था, जब इसका परममित्र अंक निकाला है तो ठीक इसके सामने ये अंक है इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिक चिन्ह। ध्यान रखना है जब आप परममित्र अंक निकालोगे तब ही इस आगे वाली संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, यदि आप परममित्र अंक नहीं निकालोगे तो एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो यहां आगे देखो, सेकंड का ये कौन सा स्तंभ है, ये द्वितीय स्तंभ है, और द्वितीय स्तंभ का आधार आप कितना मानते हैं, 6। यानी आप सबसे पहले देखो ये 5 है, ये 2 के ऊपर एकाधिक है, तो 2 के ऊपर एकाधिक का मतलब ये कितना है, 3। अब बताओ 5 में से 3 घटता है, घटता है, यदि घटता है तो आप नीचे वाली संख्या का परममित्र अंक नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब सीधा ही घटता है तो परममित्र अंक निकालने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से ये 3 लिया तो कितना बचा है, 2। अब आगे देखो, इस संख्या का हमने परममित्र अंक निकाला क्या, नहीं निकाला, जब नहीं निकाला है तो इस अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। एकाधिक चिन्ह तभी लगाएंगे जब ठीक उसके जो आगे संख्या है जब उसका
एकाधिक चिन्ह। अब हमने इसका परामकलन नहीं निकाला है तो इस पर एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे। करो इसको देखो, ये मिनट है और मिनट का ये कौन सा स्तंभ है? ये मिनट का कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है। जब ये मिनट का पहला स्तंभ है तो पहले स्तंभ का आधार आप कितना मानोगे? 10 मानोगे। तो देखो ये 2 है, ये 9 है, 2 में से 9 घटता है? नहीं लगता है। नहीं लगता है तब ही हम क्या निकालेंगे? परम मित्र। और नीचे वाली संख्या का निकालना है, ऊपर वाली का नहीं निकालना है, नीचे वाली का निकालना है। तो बताओ 9 का परम मित्र क्या है? पहले स्तंभ का आधार 10 है तो 9 का परम मित्र क्या होगा? 1 होगा। 10 को 10 में से किसको घटा देना? 9 को। तो कितना होगा? 1 होगा। अब 1 को किस में जोड़ देना है? ठीक ऊपर वाली संख्या में। तो ठीक ऊपर वाली संख्या कितनी है? 2 है। तो 1 को किस में जोड़ देना है? 2 में। 1 को 2 में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। अब इस वाली संख्या का हमने परमित्रंत निकाला है। जब इसका परमित्रंत निकाला है तो ठीक इसके सामने ये संख्या है, इसके ऊपर क्या लगा देना है? एकाधिक चिन्ह लगा देना है। अब आपने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब आगे देखो, ये मिनट का कौन सा स्तंभ है? ये मिनट का कौन सा स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है। और दूसरे स्तंभ का आधार आप कितना मानते हो? 6 मानते हैं। कितना मानते हैं? 6 मानते हैं। तो बताओ ये 1 है, 1 के ऊपर एकाधिक है तो ये संख्या पूरी कितनी है? बताओ 2 है। और ऊपर कितना है? 3। अब 3 में से 2 घटाना है, सीधा घटता है। जब सीधा घटता है तो इस नीचे वाली संख्या का परम मित्रंक नहीं निकालना है तो इसको सीधा घटा देना है। तो सीधा घटाने पर 3 में से ये 2 है, एकाधिक लग रहा है, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इसका जब हमने परम मित्रंक नहीं निकाला है तो इस संख्या पर एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे। और बताओ ये ऊपर 8 है, ये कितना है? 2। ध्यान रखना है घंटे के प्रत्येक स्तंभ का आधार आपको कितना लेना है? 10। पहले के लिए भी 10 लेना है और दूसरे के लिए भी 10 लेना है। बताओ 8 में से 2 घटता है, घट जाता है। जब घट जाता है तो इस नीचे वाली संख्या का परम मित्रंक नहीं निकालना है। नहीं घटता तब ही आप परम मित्रंक निकालोगे। तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचा है? 6। फिर आगे इसका जब आपने परम मित्रंक नहीं निकाला है तो आगे संख्या दे रखी है उसका भी उस पर एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो बताओ 1 में से ये 1 सीधा घटाएंगे कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो हमारा घंटे मिनट और सेकंड का जब आपने व्यवकलन किया है तो व्यवकलन वैदिक गणित द्वारा व्यवकलन किया है तो आपका यह उत्तर प्राप्त हुआ है। अब आप देखो कि आपने जो वैदिक गणित द्वारा हल किया है व्यवकलन को, वो आपका उत्तर सही है या गलत है। अब सही गलत की जानकारी के लिए आपको क्या करना है? सीधा व्यवकलन करना है। और सीधा व्यवकलन करने पर ये उत्तर और वो उत्तर दोनों उत्तर यदि आपके समान आते हैं तो आपका सवाल सही है, और समान नहीं आते हैं तो आपका सवाल सही नहीं है। तो देखो 54, 54 में से 25 घटाते हैं तो घटाने पर 29 ही बचता है। इधर 32 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। इधर 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो यानी आपने जो व्यवकलन गणित गणित द्वारा किया है वो व्यवकलन, वो हमारा उत्तर क्या है? सही है। तो इस प्रकार आपको आपकी कक्षा में जोड़ और व्यवकलन के ये आपको सवाल दिए हैं। अब बात आती है आगे गुणन की। गुणन में क्या करते हैं? देखो गुणन संक्रिया,
पुत्र एकाधिके पूर्वे विधि, सूत्र एकाधिके पूर्वे विधि। गुना की ये एक विधि है, कौन सी विधि है? सूत्र एकाधिके पूर्वे विधि। अब इस विधि को करने का तरीका क्या है? इसके लिए हम इस विधि को एक प्रश्न के द्वारा यानी एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है 112 × 18, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस विधि द्वारा सिर्फ कितने खंडों का गुणा होता है? दो खंडों का गुणा होता है। जैसे इस विधि द्वारा कितने खंडों का गुणा होता है भाई? दो खंडों का। बताओ इसमें कितने खंडे हैं? दो खंडे। देखो एक तो ये खंड है और एक ये खंड है। इसमें भी बताओ कितने खंड हैं? इसमें भी दो खंड हैं। एक तो ये खंड है और एक ये खंड है। तो सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखनी है कि इस विधि द्वारा सिर्फ कितने खंडों का गुणा होता है? दो खंडों का गुणा होता है। यदि आप यहाँ ऐसे होता 105 और होता तो बताओ यहाँ कितने खंड हैं? आप यहाँ तीन खंड हैं, एक दो तीन। तो अब इसका गुणा इस विधि से नहीं होता। तो सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखनी है कि इस विधि द्वारा सिर्फ दो खंडों का गुणा होता है। अब इस विधि द्वारा दो खंडों का तो गुणा होता है, लेकिन इसकी भी कंडीशन अलग है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसमें एक निथिला अंक होता है। एक तो कौन सा अंक होता है? निथिलम अंक। एक तो निथिलम अंक होता है और एक चरम अंक होते हैं, चरम अंक। अब निथिलम अंक क्या है और चरम अंक क्या है इसके बारे में देखो। चरम अंक तो वो होते हैं जिनका चरम अंकों का योग, चरम अंकों का योग। तो निथिलम अंक चरम अंक ऐसे होने चाहिए कि जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उनके इकाई अंक की तरफ से अंक ले लेने हैं, और अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 की घात में होना चाहिए। या तो 10 हो या 100 हो या 1000 या 10,000, कहने का मतलब किसमें होना चाहिए? 10 की घात में। तो देखो यहां कितना है? ये 2 है और यहां कितना है? 8। तो इन दोनों खंडों से हमने चरम अंक लिए हैं और चरम अंकों का योग आपको कितना प्राप्त हो गया है? 10 प्राप्त हो गया है। कितना प्राप्त हो गया है? 10। तो पहली कंडीशन यही होनी चाहिए इसकी कि जब आप सूत्र एकाधिके पूर्वे से सवाल हल करोगे तो आपको चरम अंकों का योग किसमें होना चाहिए? 10 की घात में होना चाहिए। 10 की घात का मतलब या तो योग 10 हो या 1000 हो या फिर क्या हो? 1000। और इसके बाद में जो शेष अंक बच जाता है वह अंक होता है आपका निथिलम अंक। और शेष जो अंक बचेगा वो दोनों खंडों में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और जो समान अंक होगा वो आपका कौन सा अंक होगा? निथिलम अंक। तो देखो यहां आपके पास चरम अंक आपने दोनों ले लिए हैं, तो शेष अंक इधर क्या बचा है? 1। और इधर भी क्या बचा है? 1। यानी दोनों खंडों में जो शेष आपके पास अंक बचा है वो समान है, और वो जो समान अंक बचा है वो आपका कौन सा अंक है? निथिलम अंक। तो निथिलम अंक कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया है। कितना आ गया है? 1 आ गया है। इसके बाद में देखो आपको ये 2 मार्क निकाल दिए आपने, तो अब आपको पता चल गया है कि इस विधि द्वारा 12 × 18 इनका गुणा हो सकता है या किया जा सकता है। तो इसके लिए आप
हाथ में होना चाहिए, दस हो या सौ हो या हजार या दस हजार, ऐसे यानी दस की हाथ में होना चाहिए। और शेष ने दोनों खंडों में समान अंक होगा वो निकिलम अंक होगा, और दोनों खंडों में समान अंक ही बचना चाहिए शेष। यहां एक बचा है और यहां पे भी कितना है एक, तो जो शेष समान अंक बचेगा वो आपका निकिलम अंक होगा। तो इसके लिए आपको सूत्र होता है, ये मान निकालने के बाद आपको सीधा सूत्र लिखना है, और सूत्र क्या होता है, निकिलम अंक, निकिलम अंक गुना उसका एकाधिक, उसका एकाधिक, और चरम अंकों का, चरम अंकों का योग। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है, निकिलम अंक गुना उसका एकाधिक और चरम अंकों का योग। अब यहां आपको जो मान दे रखे हैं और मानों को रखना है, तो देखो निकिलम अंक कितना है, एक है, इनटू उसका एकाधिक, यानी जो आपका निकिलम अंक है उसका एकाधिक लेना है, निकिलम अंक एक है, एक का एकाधिक कितना होता है, दो होता है, तो गुना दो, और चरम अंकों का योग, चरम अंकों का गुणन, सॉरी क्या होता है, चरम अंकों का गुणन। तो चरम अंकों का गुणन निकालना है, तो चरम अंक आपके कौन कौन से हैं, एक तो कितना है, दो है, और एक कितना है, आठ, यानी दोनों चरम अंकों का क्या करना है, गुणन करना है, तो दो गुना आठ। इसके बाद में हल करना है, देखो एक का गुना दो से किया कितना आया है, दो, और दो का गुना आठ से करेंगे कितना आया है, सोलह। यहां तक करने के बाद अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप इस विधि द्वारा सवाल करोगे तो आपको यह बात हमेशा ही ध्यान रखनी है, सिर्फ इस विधि में ही ऐसी कंडीशन है। अब क्या है, देखो कि आधा में शून्यों, आधार में शून्यों की संख्या के बराबर ही, आधार में शून्यों की संख्या के दोगुने अंक दक्षिण पक्ष में रखते हैं। आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आधार में शून्यों की संख्या के दुगने अंक, शून्यों की संख्या के दुगने अंक, आधार में कितनी जीरो है बताओ, एक है, तो आधार में जितनी जीरो होंगी उसके उसके दुगने अंक, आधार में जीरो कितनी है, एक, तो एक का दुगना कितना होता है, तो दो, कि दो, एक का दुगना कितना होता है, दो, तो दो अंक ही आपको किसमें रखने हैं, दूसरे पक्ष में यानी दक्षिण पक्ष में रखने हैं। अगर दो से कम है तो आगे हम दो अंक बनाएंगे यानी जीरो लगा देंगे, और दो से ज्यादा होंगे तो उन सभी जो ज्यादा बचे अंक है उनको खा रख देंगे, नीचे रख देंगे। तो यहां पर हमको सवाल में ऑलरेडी कितने अंक दे रखे हैं, दो ही अंक दे रखे हैं, दक्षिण पक्ष में दो ही अंक दे रखे, तो जब दो ही अंक दे रखे हैं तो इसको सवाल को हम सीधा जैसा है वैसा ही उतार देंगे, यहां दो अंक है तो दो ही रखने हैं, रखे उसके बाद में दो, तो इसका उत्तर कितना आया है बताओ, 216। अब हमने जो गुना किया है वो गुना हमारा सही है या गलत है, तो उत्तर की जांच के लिए आपको सीधा गुना करना है, तो इसका सीधा गुना करने पर 12 में 12 और हासिल के 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तो सीधा गुना भी हमारा कितना आया है, 216। और वैदिक गणित द्वारा गुना किया है तब भी कितना आया है,
16 दोनों समान है तो हमने जो वैदिक गणित द्वारा गुणा किया है वो गुणा हमारा क्या है सही है। वैदिक गणित द्वारा जो गुणा किया वो हमारा क्या है सही है। और क्या करते हैं जैसे अब इस सवाल में क्या होता है जैसे आपके पास मैंने आपको बताया है आधार में शून्यों की संख्या पे दोगुने अंक दक्षिण पक्ष में रखते हैं तो दोगुने अंक ही रखें। अब ये आपका सवाल तो पूरा हो गया है। अब मैं थोड़ा और बता रहा हूं जैसे आपको सवाल में जैसे यहां आधा आपका ये 100 होता कितना होता है 100 होता। अब 100 होने पर बताओ यहां आधार में शून्य कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं कितने हो गए 2। तो मैंने नीचे लिखा है आधार में शून्यों की संख्या के दोगुने अंक दक्षिण पक्ष में रखते हैं यहां आधार में शून्य कितने 2 तो शून्यों की संख्या के दोगुने अंक तो 2 का दोगुना कितना होता है 4 होता है। तो यहां इस दक्षिण पक्ष में कितने अंक रखेंगे 4 अंक रखेंगे लेकिन हमारे पास तो अब कितने अंक दे रखे हैं सिर्फ 2 ही दे रखे हैं। तो 4 अंक करने के लिए क्या करते हैं जो ये 16 दे रखा है इसके आगे हम कितनी जीरो बढ़ा देते हैं 2 बढ़ा देते हैं। तो अब यहां ये कितने अंक हो गए हैं 4 और 4 अंक हमको रखने हैं। तो इसके बाद इस सवाल को करेंगे तो सीधा जैसा है वैसा ही उतार देंगे तो कितना आएगा 20,016। तो यदि इस प्रकार सवाल होगा तो यहां से आगे ऐसे कर दें और यदि ये ऐसे सवाल होगा हमारे पास आधार में 0 1 होती और इस प्रकार होता है जैसे 16 / 325 ऐसे आता। तो अब हमारे पास यहां देखो आधार में कितनी 0 है 1 तो इस दक्षिण पक्ष में कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे दोगुने अंक आएंगे। अब यहां 2 अंक रखने हैं और हमको दे कितने अंक रखे हैं 3 अंक 2 ही रखने दे 3 रखे। तो अब क्या करना है कि इकाई अंक की तरफ से हमको यहां ऊपर तो 2 अंक रखने हैं और बाकी जितने भी अंक बच जाएंगे उन सभी अंकों को उठा रखेंगे नीचे। कैसे रखेंगे देखो इकाई अंक की तरफ से आधार में 0 1 है तो 2 अंकों को उठा रख देना है ऊपर इकाई अंक की तरफ से 2 अंक ये हो गए इनको रख दिया है। अब जितने भी अंक बच जाएंगे उनको उठा लेना है नीचे रखना है। कितने अंक बचे हैं 3 अंक बचा है अकेला बचा है 3 बचा है वो भी अकेला है तो उसको कहां रख देना है नीचे रख देना है। रख दिया फिर ऑब्लिक लगाना है उसके बाद में इधर जैसा है वैसा ही रख देना है। अब क्या होता है कि जो नीचे अंक आता है वो अगले पक्ष में जो अंक होता है उसमें क्या होता है जुड़ जाता है। तो ये नीचे 3 आया है ये 3 किसमें जुड़ जाएगा आगे वाले पक्ष के ऊपर वाले अंक में तो आगे वाले पक्ष का ये अंक है इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो जोड़ने पर आपको क्या आता है देखो इधर ये 25 है तो 25 की जगह 25 उसके बाद में इधर ये 3 किसमें जुड़ेगा 16 में तो 3 को 16 में जोड़ेंगे कितना आएगा 19 आएगा। यदि सवाल इस प्रकार होता तो आपका उत्तर कितना आता 1925। तो इस प्रकार आपने ये सवाल सूत्र एकाधि के पूर्ण विधि द्वारा हल किया है। एक सवाल और बता रहे हैं इस विधि द्वारा तो देखो जैसे आपका सवाल होता 107 × 103 या 157 × 103। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां पहला अंक लिया है इधर से और इधर से भी पहला अंक लिया है तो इन दोनों का जोड़ कितना है 10 या 10 की घात में है 10 है कि नहीं। तो अब यहां शेष बचे लेकिन अंक दोनों में क्या है समान नहीं है तो अब क्या करेंगे इधर से 2 अंक लेंगे और इधर से भी क्या लेंगे 2 अंक। तो देखो 2 अंक लेने पर क्या सही सवाल आता है
तो इधर ये चार अंक हैं, एक तो सत्यान्वे है और एक कितना है 03। इन दोनों को आपने जोड़ा है, तो जोड़ने पर आपके पास कितना आया है, कितना आया है जोड़ने पर, कितना आया है 100 आया है, कितना आया है 100 आया है। तो हमारा आधार भी कितना है 100 है, कितना है 100। अब देखो शेष निकला अंक जो बचा है वो दोनों खंडों में समान है या नहीं। तो देखो इधर शेष ये बचा है, इधर भी शेष यही बचा है, इधर एक है इधर भी एक है, यानी जो शेष अंक बचा है वो निकला अंक होता है और निकला अंक दोनों खंडों में क्या प्राप्त हुआ है समान, कितना है 1। और चरम अंकों का योग कितना है 100, यानी 10 की घात में है। तो इस प्रकार ये सवाल है, तो इसको इस विधि से हम हल कर सकते हैं। उसी प्रकार सूत्र में रखना है, सूत्र क्या होता है निकिलम अंक, निकिलम अंक इंटू उसका एकाधिक, निकिलम अंक इंटू उसका एकाधिक, और चरम अंकों का गुणन, चरम अंकों का गुणन, यह आपका सूत्र होता है। रखो तो देखो बताओ निकिलम अंक कितना है 1, 1 लिख दिया है, इंटू उसका एकाधिक, मतलब किसका एकाधिक, निकिलम अंक का एकाधिक। तो निकिलम अंक कितना है 1 है, तो 1 का एकाधिक कितना होता है 2। और चरम अंकों का गुणन, चरम अंक 1 कितना है 97 है, इंटू दूसरा कितना है 03 है। गुणा करो, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, और 97 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 291। 97 का गुणा आपने 3 से किया कितना आया है 291। अब बात आती है कि हमारे पास आधार में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आधार में शून्यों की संख्या कितनी है 2 है। तो जब आधार में शून्यों की संख्या 2 है तो यहां इस दक्षिण पक्ष में कितने अंक आएंगे, दक्षिण पक्ष में 4 अंक आएंगे, यानी दुगने आएंगे। यहां 2 है शून्यों की संख्या, तो 2 का दुगना क्या होता है 4, तो दक्षिण पक्ष में कितने अंक आएंगे 4। लेकिन हमको देर कितने रखे हैं 3, अब 4 अंक करेंगे तो इस संख्या के आगे क्या बढ़ा दो 0 बढ़ा दी। अब इसके बाद में इधर इसमें 4 अंक हो ही गए, तो अब क्या करना है, इसको सीधा जैसा है वैसा ही उतार देंगे, तो कितना आएगा 20,291। हमारा ये सवाल सही है गलत, इसके लिए हम इनका सीधा गुणा करेंगे, और सीधा गुणा करने पर ये उत्तर उसके बराबर हो तो ये हमारा सवाल सही है। एक सवाल और बता रहे हैं इस वैदिक सूत्र निकिलम विधि द्वारा, सूत्र एकाधिक पूर्ण विधि द्वारा, वो कौन सा सवाल है, जैसे आपका सवाल भिन्नों में आता है, क्या सवाल आता है, जैसे 31 सही 1/6 गुना 31 सही 5/6, जैसे आपका इस प्रकार का यह सवाल होगा और इसको कहता कि इस विधि द्वारा करो, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपको पूर्ण संख्या दे रखी है, पूर्ण संख्या का मतलब पूरी पूरी संख्या, वो दोनों खंडों में क्या होनी चाहिए समान, और उसको हम किससे व्यक्त करते हैं निकिलम अंक से। तो देखो इधर पूर्ण संख्या कितनी है 31 है, और इधर भी कितनी है 31 है, और पूर्ण संख्या को किससे व्यक्त करोगे निकिलम अंक से, तो बताओ निकिलम अंक कितना हो गया है 31 हो गया है, कितना हो गया है 31। इसके बाद में जो भी दोनों खंडों में भिन्नी दे रखी है उन भिन्नों का योग कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी भिन्नों का योग और भिन्नों का योग कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इधर भिन्न 1/6 प्लस इधर 5/6
निधि लंबन कितना है? एक है, 31 है। निधि लंबन कितना है? 31 है। और भिन्नों का योग कितना है? एक है। 1/6 में 5/6 जोड़ेंगे कितना आएगा? एक। इस प्रकार जब ये कंडीशन है तो इस विधि से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होगा? निधि लंब अंक इंटू उसका एकाधिक ऑब्लिक भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणन, आप यहां भिन्नों का गुणन भी लिख सकते हो या चरम अंकों का गुणन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो आपको जो मान ले रखे उनको यहां पर रखना है। बताओ निधि लंब कितना है? 31 है। इंटू इसका एकाधिक, 31 का एकाधिक कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। और भिन्नों का योग, एक भिन्न कितनी है? 1/6 गुणा दूसरी भिन्न कितनी है? 5/6। इस प्रकार हमने किया है। अब क्या करना है मेरे को? इन दोनों को आपस में गुणा करना है। गुणा कीजिए, 32 का गुणा 1 से करेंगे, 32 एक 32 हासिल 3। 32 का गुणा किससे करना है? 3 से करना है। कितना आता है? 32 का गुणा 3 से करने पर 96 आता है, और 96 में हासिल कितने हैं? 3। कितना आएगा? 99। तो आपके पास कितना आया है? 992 आया है। कितना आया है? 992। 992 आ गया है। और यहां आपको इनका गुणा करना है। तो देखो इनका गुणा भिन्नों का करेंगे तो क्या करना है? अंश का अंश से गुणा कर देना है और हर का हर से गुणा कर देना है। तो एक का गुणा 5 से करेंगे तो 5, और 6/6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36। अब यहां तक आपने गुणा कर दिया है तो इसके बाद में आपको हमेशा एक ध्यान रखना है कि बीच में से ऑब्लिक को हटा देना है, और ऑब्लिक हटाने के बाद सीधा सवाल जैसा है वैसा ही उतार देना है। तो उतारने पर आपके पास कितना आता है? 992 सही, 5/36। तो हमने आपको गुणन के लिए सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि बताइए। हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आई होगी। आगे की विधियां हम अगले वीडियो यानी अगले दिन आपको बताएंगे। धन्यवाद।